कोरोना वायरस के तांडव ने इस वक्त पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। दुनिया भर में लोग जीवन और मौत के बीच में फिलहाल जंग लड़ रहे हैं। असहाय लोगों के लिए दो वक्त की रोटी के जुगाड़ करने में शासन प्रशासन सामाजिक संगठन और भामाशाहों के साथ में हर कोई मदद के लिए जुटा है, लेकिन इन सबके बीच में पशुओं को स्ट्रॉबेरी खाने का कार्य अब मिल रहा है। कौन खिला रहा है पशुओं को स्ट्रॉबेरी? क्या है कोरोना में किसानों की मजबूरी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चक्रव्यूह की चपेट में आने से दुनिया के 200 देश त्राहिमाम करते नजर आ रहे हैं। कोरोना के आगे विश्व की महाशक्तियों ने घुटने टेक दिए हैं। हर कोई बेबस और लाचार दिख रहा है। जीवन बचाने के लिए करोड़ों लोगों को लॉकडाउन कर घरों में कैद किया गया है, जिसके चलते दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। देश और दुनिया में असहाय लोग दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। हालांकि सरकारें, प्रशासन, सामाजिक संगठन, भामाशाह, हर कोई असहाय लोगों के लिए दो वक्त के निवाले के जुगाड़ में जुटे हैं, लेकिन इसी बीच गाढ़े पसीने की मेहनत से तैयार की गई स्ट्रॉबेरी की फसल को प्रगतिशील किसान पशुओं को खिलाने पर मजबूर है। इस साल हमने 2 बीघा की स्ट्रॉबेरी की खेती करना चालू किया है और ये दीपावली से पहले लगा दी थी जी। तो कुछ दिनों तक बिकी भी है और पैदावार यहाँ अपने यहाँ बहुत अच्छी आई है, मगर कोरोना वायरस के चलते इसको लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने से अब इसको कहीं बेच नहीं पा रहे हैं और इस टाइम फुल आ रही है। इससे हमारे को करीब करीब आर्थिक नुकसान होगा, 3 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हो जाएगा। इस उपज को अभी हमारे पालतू मवेशी है ना, उनको खिला रहे हैं सुबह शाम दोनों। हर साल की तरह इस बार भी अच्छी पैदावार की उम्मीद के साथ राजस्थान के मांडलगढ़ में किसानों ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस उम्मीद के साथ वो मेहनत में जुटे हैं, उनकी उम्मीदों पर कोरोना वायरस पानी फेर देगा। जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के किसानों के साथ। उन्नत तकनीक के साथ मरुधरा में स्ट्रॉबेरी की पैदावार करने वाले प्रगतिशील किसान लॉकडाउन के चलते बाजार में स्ट्रॉबेरी नहीं बेच पा रहे हैं। बाजार में 200 रुपए किलो तक बिकने वाली स्ट्रॉबेरी का ये हाल आपने कभी नहीं देखा होगा कि जिस स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी को इंसान एक एक करके बड़े चाव से खाता हो, वह स्ट्रॉबेरी पशुओं को खिलानी पड़ रही है। लाचार, बेबस, आंखों में आंसू लिए किसान की उम्मीदें अब टिकी हैं तो सिर्फ शासन और प्रशासन पर। किसानों को उम्मीद है सरकार के नुमाइंदों से। क्या सरकार इन प्रगतिशील किसानों के खेतों में पड़ी स्ट्रॉबेरी की खरीद कराने की कोई व्यवस्था करेगी? इसी उम्मीद के साथ मांडलगढ़ का अन्नदाता आज सरकार के फरमान के इंतजार में निगाहें गड़ाए बैठा है। मांडलगढ़ से A1 TV संवाददाता केसरी मल मेवाड़ा की खास रिपोर्ट।